हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल। सो फाइनली हम लोग कर रहे हैं आपका हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, और हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में भी हम लोग पर्टिकुलर कर रहे हैं आप लोगों का मेडिवल वाला पोर्शन। ऑलराइट, और मेडिवल वाले पोर्शन में मैंने आप सभी को बोला था कि दो रूल्स जो हैं वो आते हैं। पहला आपका हो गया हिंदू रूल, ठीक है, हिंदू रूल। देन उसके बाद जो दूसरे रूल की बात करें वो आता है आप लोगों का मुस्लिम रूल। ओके, सो हिंदू रूल हम लोग कर रहे हैं, और हिंदू रूल में ऑलरेडी हम लोग दो डायनेस्टीज जो है वो कवर अप कर चुके हैं, और आज इस हिंदू रूल को हम कवर अप कर देंगे, सारा खत्म कर देंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मुस्लिम रूल जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आप लोगों को थोड़ा रिकैप कर लूं, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं पुराना लेक्चर। आप सभी को पता है कि हिंदू रूल में फर्स्ट डायनेस्टी जो है, जो हमने पढ़ी थी, उसका नाम था उत्पाला डायनेस्टी, ठीक है, उत्पाला डायनेस्टी। और लास्ट लेक्चर में हमने जो डायनेस्टी कवर की उसका नाम था गुप्ता डायनेस्टी, राइट, गुप्ता डायनेस्टी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं आपका लोहारा डायनेस्टी, ओके, एंड उसके बाद लास्ट जो डायनेस्टी बचती है आपका देव डायनेस्टी। और आप सभी को बता दूं कि देव डायनेस्टी में जो लास्ट रूलर रहे हैं इसके, ठीक है, नोटेबल रूलर रहे हैं, देन उसके बाद आप लोगों का जो हिंदू रूल था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया, डिक्लाइन इन द सेंस कि खत्म ही हो गया पूरा एक तरह से। और उसके बाद जो मुस्लिम रूल जो है वो स्टार्ट होता है, और मुस्लिम रूल में जो पहली डायनेस्टी है और वो मतलब शामीर द्वारा स्टार्ट की जाती है, वो हम मुस्लिम रूल में कवर अप करेंगे। बट आज की इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं आपका लोहारा डायनेस्टी, देव डायनेस्टी, ये दो कवर अप करेंगे, और इसी के साथ हमारा हिंदू रूल जो है वो सारा खत्म हो जाएगा। और आप लोगों को अगर मैं पूछूं, ये उत्पाला और गुप्ता डायनेस्टी में जितना भी मैंने पढ़ाया, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई भी डाउट इसमें रहा होगा, क्योंकि हर एक वीडियो में मैंने रिपीट किया है पुराना लेक्चर, और आपको ये चीजें टिप्स पे होनी चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर की तरफ, और इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के लोहारा डायनेस्टी की। ऑलराइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक सेकंड मैं कलर चेंज कर लेता हूं इसका, देन ओके। सो आज जिस डायनेस्टी की हम लोग बात कर रहे हैं उसका नाम है लोहारा डायनेस्टी, ओके, लोहारा डायनेस्टी। सो लोहारा डायनेस्टी के बात करें, सो आप सभी को मैंने कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो पहला किसी भी डायनेस्टी का जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है उसका फाउंडर। तो अगर हम बात करें लोहारा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, मतलब हु फाउंडेड द लोहारा डायनेस्टी, सो उसका नाम है संग्राम राजा। कौन थे? संग्राम राजा। और आप सभी को पता होगा कि ये संग्राम राजा ये कौन था, He was nephew of Kyon Dida. Kyon Dida. Okay. देखो, गुप्ता डायनेस्टी में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी कि शेन गुप्ता की वाइफ थी क्यून डीडा, और क्यून डीडा बेसिकली उसका जो हस्बैंड था शेन गुप्ता, वो बेसिकली एक मिडियोकर टाइप का रूलर था, और उसके बिहाफ पे क्यून डीडा जो थी वो मतलब रूल करती थी। बट उसके बाद उसकी डेथ के बाद, मतलब खेम गुप्ता की डेथ के बाद, उसकी वाइफ क्यों डेटा का जो बेटा था अभिमन्यु, वो गद्दी पे बैठा, उसके बाद उसका ग्रैंडसन बैठा, और फाइनली फिर क्या हुआ कि क्यों डेटा ने मतलब अपना जो रूल है वो अपने हाथों में लिया, और एटलीस्ट 50 साल तक उसने रूल किया। और उसके बाद जब उसकी डेथ हुई, ठीक है, डेथ के बाद उसने जो अपना मतलब जो रूलिंग है अपने गुप्ता डायनेस्टी की, वो किसके हाथों में दिया, अपने नेफ्यू के हाथों में दे, जिसका नाम था संग्राम राजा। और उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी खत्म हुई, गुप्ता डायनेस्टी के बाद स्टार्ट होगी उनकी लोहारा डायनेस्टी। ओके, सो अगर हम बात करें लोहारा डायनेस्टी की, अब इसके फाउंडर का तो आपको पता लग गया, लेकिन इसके बाद जितने भी रूलर्स हुए वो वर नॉट कैपेबल कह सकते हैं, एंड नॉट एबल आप लोग कह सकते हैं, कि जो जिनके बारे में हम लोग बात करें, लेकिन संग्राम राजा के बाद जो नोटेबल जो रूलर हुआ, मतलब जो जिन्होंने कुछ किया लोहारा डायनेस्टी में, उनका नाम था जयसिम्हा। क्या नाम था उनका? जयसिम्हा। ये बेसिकली आप लोग कह सकते हैं ये ही वॉज नोटेबल रूलर इन लोहारा डायनेस्टी। ऑलराइट, सो
अब जैसे आप सभी को पता है कि संग्राम राजा के बाद कोई नोटेबल रूलर रहा ही नहीं, मतलब कोई ऐसा राजा आया ही नहीं कि जो प्रजा को संभाल सके, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से रन कर सके। तो फाइनली जब जय सीमा ये गद्दी पे बैठे, तो उस टाइम पे आप लोग कह सकते हैं जो सिचुएशन थी बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी, मतलब उस टाइम पे बहुत ज्यादा सिविल वॉर जो थी वो हो रही थी वहां पे, ठीक है, सॉरी, ये सिविल वॉर वगैरह हो रही थी। देन उसके बाद बहुत सारा पॉलिटिकल अनरेस्ट था। पॉलिटिकल अनरेस्ट मतलब जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन थी वहां की, वो सारी की सारी तहस नहस हुई पड़ी थी वहां पे, ठीक है। लेकिन फिर भी ये बंदा, यह सीमा इतना कैपेबल रूलर था कि इसने सभी चीजों को बहुत ही पीसफुल तरीके से मेंटेन किया और एटलीस्ट 27 साल तक इसने रूल किया। क्या किया? 27 साल तक रूल किया। तो अगर हम किस तरह से लिखेंगे कि ही वॉज एबल एनफ एनफ टू मेंटेन मेंटेन पीस एंड हिज फॉर्म रूल फॉर 27 ईयर्स, ठीक है, फॉर 27 ईयर्स। देखिए मैं आपको बोल बोल के क्यों लिखवा रहा हूं कि सो दैट कि ये चीजें आपके माइंड में बैठ जाए। मैं ऑलरेडी आप लोगों को ये डिक्टेट कर चुका हूं कि उस बंदे ने क्या किया था, मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी वो बंदा इतना काबिल था कि उसने फिर से वहां पे मतलब अपने राज्य में, अपने डायनेस्टी में उसने पीस को फिर से मेंटेन किया और अपना जो रूल था एटली उसको संभाला और एटलीस्ट 27 ईयर्स तक उसने रूल किया। ओके, देन उसके बाद हम बात करें तो उन्होंने, मतलब जय सीमा ने, बहुत सारे जो टेम्पल्स थे वो रिस्टोर किए। क्या किए? रिस्टोर किए, रिस्टोर मैनी टेम्पल्स, ऑलराइट, क्या किए? बहुत सारे टेम्पल जो थे वो रिस्टोर किए। और आप लोग कह सकते हैं ऐसे कि ही वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ हिंदू टाइम। क्या बोल सकते हैं? ही रिगार्डेड एज लास्ट लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ हिंदू टाइम, हिंदू टाइम। ओके, सो आप लोगों को एक चीज, एक जो इंपॉर्टेंट चीज हुई है इसके शासनकाल में, वो ये है कि आप सभी को एक ग्रेट हिस्टोरियन के बारे में तो पता ही होगा, ठीक है। ग्रेट हिस्टोरियन क्या नाम है उनका? का नाम है कल्हाना, ठीक है। कल्हाना ने जो अपनी राजतरंगिणी जो कंप्लीट की थी वो इन्हीं जयसीमा के टाइम पीरियड में की थी, ठीक है, इन्हीं के टाइम पीरियड में की थी। तो किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे कि कल्हाना कंप्लीटेड कंप्लीटेड हिज राजतरंगिणी देखो आप लोगों को ना बच्चे की तरह लिखवा रहा हूं, मैं बच्चे की तरह लिखवा रहा हूं, सो दैट कि आपको चीजें भूले ना, ठीक है। कंप्लीट की थी राजतरंगिणी इन 1149 टू 1150 AD में, ठीक है, ऑलराइट, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ जयसीमा, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ पीरियड ऑफ जयसीमा, ठीक है, समझ आ गया। सो उसके बाद, अब जयसीमा के बाद जो लास्ट रूलर रहे उनका नाम क्या था? उनका नाम था वनिता देव, वनिता देव। आप लोग कह सकते हैं ही वॉज अ लास्ट रूलर ऑफ लोहारा डायनेस्टी, लास्ट रूलर ऑफ लोहारा लोहारा डायनेस्टी। ओके, सो इसी के साथ आप लोगों का जो लोहारा डायनेस्टी था वो खत्म होता है। और लोहारा डायनेस्टी के बाद जिसकी शुरुआत होती है, कौन सी डायनेस्टी है? वो है आप लोगों का देव डायनेस्टी। ओके, सो देव डायनेस्टी जो है, आप लोग कह सकते हैं इसमें बहुत सारी इन्वेजन्स हुई, बहुत सारे अटैक्स हुए, जिसकी वजह से फाइनली जो हिंदू रूल था वो डिक्लाइन हुआ और खत्म हो गया एट द एंड, ठीक है। तो हम कवर अप करेंगे इस वीडियो में आज सभी चीजों को। ओके, तो अगर हम बात करें देव डायनेस्टी की, तो देव डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड रहा है वो कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था आपका 1171 AD से लेकर, कब तक चला ये चला? 1371 AD तक।
ओके कब स्टार्ट हुआ, 1171 एडी से लेकर 1371 एडी तक ये रहा। देखिए आप लोगों को जैसा मैं लिखवा रहा हूं आप एक बार लिखते रहिए, उसके बाद मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा कि क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके नेक्स्ट जो क्वेश्चन अब बात करें वो ये है कि इस पर्टिकुलर देव डायनेस्टी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटेबल रूलर जो थे, नोटेबल किंग की अगर हम बात करें कौन था वो उस टाइम पे देव डायनेस्टी में, उसका नाम है साहादेव। अब साहादेव कह सकते हैं या उनको सुहादेव भी बोला जाता था। ओके सुहादेव भी बोला जाता था और यही एक ऐसा बंदा था जो नोटेबल रूलर था, किंग था देव डायनेस्टी का। ओके तो अभी बेसिकली इनका जो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, मतलब सुहादेव और साहादेव का जो टाइम पीरियड था वो कब था, वो था 1301 से लेकर इस बंदे ने 1320 एडी तक रूल किया। ओके सो नेक्स्ट इन्हीं के टाइम पीरियड में एक मंगोल इन्वेडर थे जिनका नाम था जुलजू, जिनको डुलुचू भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, डुलुचा। ठीक है ये बेसिकली कौन थे, ये तर्तार चीफ थे बेसिकली फ्रॉम सेंट्रल एशिया, तर्तार चीफ थे ये फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो इस बंदे ने इन्वेड किया था कश्मीर में 1320 एडी में, इन्वेडेड इन कश्मीर कब किया था, 1320 एडी में। और आप लोग कह सकते हैं कि ये बेसिकली जो बंदा था ना डुलुचा, ये एटलीस्ट अपनी 6000 बंदों के साथ, मतलब तलवारों के साथ, फायर के साथ, इसने गांव के गांव तबाह कर दिए। और आप लोग इतना कह सकते हो कि ये जो अटैक था इस पर्टिकुलर अटैक की वजह से जो प्रैक्टिकली हिंदू रूल था वो खत्म होने पे आ गया, खत्म ही हो गया कश्मीर में। ओके सो नेक्स्ट बात करते हैं, एक तो ये था डुलुचू जिसको डुलुचा भी कहा जाता था, ये मंगोल था बेसिकली। इसके बाद इस साहदेव की पर्टिकुलर डायनेस्टी में तीन एडवेंचरस जो थे वो इनके शासनकाल में आए, और वो कौन कौन थे चलिए बात करते हैं। पहले हम लिखेंगे कि ड्यूरिंग साहदेव पीरियड थ्री एडवेंचरस केम टू कश्मीर। अब वो कौन कौन से थे, देखिए पहला जो थे उनका नाम था शामिर। ठीक है शामिर। अब ये बंदा जो था ये बेसिकली कहां से था, ये था सुवात टेरिटरी से, ये सवात टेरिटरी से आया था। नेक्स्ट जो था वो था रिंचिन। कौन था, रिंचिन। तो रिंचिन कहां से था, ये बेसिकली लद्दाख से था। ठीक है ये लद्दाख से था। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आता है कौन, लंकर चक। और ये कहां से था, ये बेसिकली डार टेरिटरी से था। जो डार टेरिटरी कहां पे है भाई, डार टेरिटरी है आप लोगों का नियर गिलगिट। ठीक है गिलगिट के पास जो जगह है एक, वहां से था ये। ठीक है तो ये तीन लोग थे जो शामिर के टाइम पे आए थे, और यही मेन तीन लोग हैं जिन्होंने आने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले किया था इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन कश्मीर, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ कश्मीर। ठीक है अब कैसे किया था चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए आप सभी को मैं बता दूं कि देखो फर्स्टली हम लोग बात करते हैं किसकी, रिंचिन की। ओके रिंचिन आप सभी को पता है कौन था, ये बुद्धिस्ट था, कहां से, तिब्बत से, लद्दाख से। ओके लिखते जाते हैं पॉइंट इसके, ये बुद्धिस्ट था, ही वॉज बुद्धिस्ट फ्रॉम लद्दाख। ठीक है फ्रॉम लद्दाख, लेकिन जब ये उनके टाइम पीरियड पे मतलब आया,
और शामिर ने इनको पहली चीज तो शेल्टर दिया, ठीक है, पनाह दी, और उसके बाद इनको एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत अच्छी पोस्ट जो थी वो भी दी। ठीक है, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, गिव शेल्टर एंड एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट। लेकिन हुआ क्या, एक रिवोल्ट होता है, एक रिवोल्ट में जो शामिर थे, सॉरी, ये जो आप लोगों के शाहदेव थे, ठीक है, शाहदेव जो थे, रिवोल्ट के टाइम पे ये चले गए, ये भाग गए कहां पे, भाग के तिब्बत में। उसके बाद क्या हुआ, ये जो रिनचिन था, बेसिकली रिनचिन था, इस बंदे ने क्या किया, जो आर्मी चीफ था इनका, आर्मी चीफ था इनका, उसका नाम था रामचंद्र। क्या नाम था उनका, रामचंद्र। उसको इस बंदे ने मार दिया, ठीक है, मार दिया। और उसके बाद रिनचिन जो था, रिनचिन बिकम द किंग ऑफ कश्मीर, किंग ऑफ कश्मीर। ज्यादा देर तक तो नहीं रहा, लेकिन इस बंदे ने ही रूल्ड फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। ठीक है, अब जैसे ही राजा बना, उसके बाद इसने ही मैरिड विद कोटा रानी, ही मैरिड विथ कोटा रानी। अब ये कोटा रानी कौन थी, ये बेसिकली कोटा रानी थी रामचंद्र के डॉटर, ठीक है, जो आर्मी चीफ थे, ठीक है, उनके डॉटर थी। यहां पे लिख देते हैं हम लोग, डॉटर ऑफ रामचंद्र। ओके, समझ आ गया। सो उसके बाद ये जो बेसिकली रिनचिन थे, इस बंदे ने कन्वर्ट किया, रिनचिन कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू मुस्लिम। ओके, रिनचिन कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू मुस्लिम, और उसके बाद एंड ही आल्सो चेंज हिज नेम, और इस बंदे ने अपना नाम भी चेंज तक कर दिया। और इसका जो नाम था बाद में, वो क्या पड़ा, इसका नाम क्या था, मलिक सदरुद्दीन। चेंज हिज नेम एज मलिक सदरुद्दीन। ओके, चलिए पहले आप देखते रहिए, फिर मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि एग्जाम में किस तरह से चीजें पूछे जाती हैं। ऑलराइट, तो फिर हुआ क्या, जैसे ही मतलब ये बंदा कन्वर्ट हुआ मुस्लिम में, उसने अपना नाम चेंज वगैरह किया, और इसी पर्टिकुलर टाइम से आप लोग कह सकते हैं कि जो मुस्लिम रूल था, मुस्लिम रूल जो था कश्मीर में, उसकी जो कहते ना वो जड़ें, वो बनना शुरू हुई, लेकिन उतने लंबे टाइम के लिए नहीं रहा। सो फाइनली हुआ क्या इसके बाद, कि जो शाहदेव का जो ब्रदर था, ठीक है, शाहदेव का जो ब्रदर था, जिसका नाम था उदय देव, ठीक है, ब्रदर शाहदेव, ब्रदर जिनका नाम था उदय देव, तो ये आर्मी के साथ रिटर्न किया कश्मीर में। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, उदय देव रिटर्न टू कश्मीर विद आर्मी। ठीक है, तो फिर फाइनली क्या हुआ, ये बंदा तो निकल गया, रिनचिन तो गायब हो गया, ठीक है, निकल गया ये। और फिर उसके बाद हुआ क्या, कि कोटा रानी ने ऑफर किया मैरिज के लिए, ऑफर्ड, ठीक है, किसको मैरिज किया, ऑफर्ड फॉर मैरिज टू उदयदेव। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों का शादी हो जाती है, एंड उदयदेव जो थे उस टाइम, देन उदयदेव जो था विकम द किंग ऑफ कश्मीर। ठीक है, विकम किंग ऑफ कश्मीर। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस चीज के बारे में। जैसे ही ये राजा बना, बेशक ये राजा बना था, लेकिन जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो वर्क होता था ना, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो होता था, वो सारा किसके द्वारा होता था, डन बाय कोटा रानी। तो कोटा रानी बेसिकली बहुत ही ज्यादा एक
मतलब एबल रूलर थी। और इसके पर्टिकुलर टाइम में क्या हुआ था कि एक पर्शियन सरदार तर्तर जो थे उन्होंने इन्वेड किया था, पर्शियन सरदार तत्तर, ठीक है, एक बंदा था पर्शियन से जिसने इन्वेड किया था, मतलब आप लोग कह सकते हैं कि इसने अटैक किया था, अटैक इन कश्मीर। लेकिन बट ही वॉज डिफीटेड बाय कोटा रानी, डिफीटेड बाय कोटा रानी, कोटा रानी। लेकिन फाइनली हुआ क्या, लास्ट में क्या होता है, आप इन इन 1339 में, 1339 में शामिर, शामिर का नाम आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में, शामिर ये कौन था बेसिकली, शामिर एक मुस्लिम रिलीजियस प्रीचर था, एक मुस्लिम रिलीजियस प्रीचर था। अब इस बंदे ने क्या किया, इसने मार दिया, ही किल्ड कोटा रानी, ठीक है, कोटा रानी। और फिर उसके बाद ये राजा बना, कौन, एंड विकम किंग, कौन बना, शामिर, ओके। और कोटा रानी की डेथ के साथ आप लोग कह सकते हैं कि जो हिंदू रूल था वो खत्म हुआ, और उसके बाद मुस्लिम रूल जो था वो स्टार्ट हो गया। ऑलराइट, तो ये है सारी आप लोगों की, यहां आपका एंड होता है मुस्लिम रूल, और यहां शामिर, शामिरी डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट होती है, मतलब अंडर मुस्लिम रूल। सो गाइस, ये थी आप लोगों का लोहारा डायनेस्टी प्लस देव डायनेस्टी, ओके। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो हमने आज पढ़ा उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर मतलब सेशन में, आज के सेशन में एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, चलिए अब वो डिस्कस करते हैं। और ये है आप लोगों का ओवरव्यू, मैं पहले बता दूं कि हम लोगों ने उत्पाला खत्म किया, गुप्ता खत्म किया, आज हमने लोहारा भी खत्म कर दिया और देव डायनेस्टी भी खत्म कर दिया। चलिए अब हम बात करते हैं जो भी चीजें हमने पढ़ी और इस पर्टिकुलर सेशन में कौन कौन सी चीजें एग्जाम में पूछी गई हैं और पूछी जा सकती हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों का लोहारा डायनेस्टी में से, पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली हमेशा फाउंडर से पूछा जा सकता है। तो इसका अगर हम बात करें पहला कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी, सो कौन थे वो, वो थे आप लोगों के संग्राम राजा, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है हु वाज संग्राम राजा, तो यहां आएगा नेफ्यू ऑफ क्यून डिडा, नेफ्यू ऑफ क्यून डिडा, ओके। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ये मतलब उसके बाद नोटेबल रूलर कोई आया नहीं, ये तो खैर कहानी होगी, इसमें से क्वेश्चन तो पूछा नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि अगर हम बात करें हु वाज द नोटेबल रूलर इन लोहारा डायनेस्टी, तो कौन थे वो थे जय सीमा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि हु वाज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ हिंदू टाइम, तो यहां पे क्या आंसर बनेगा आपका, यहां पे भी आपका आंसर आएगा जय सीमा, ओके। नेक्स्ट, आप लोगों का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकता है इस लोहरा डायनेस्टी वो ये कि इन विच टाइम पीरियड कल्हाना कंप्लीटेड हिज राज तरंगिणी, ओके। इन विच टाइम पीरियड कल्हाना कंप्लीटेड हिज राज तरंगिणी, तो कौन सा टाइम पीरियड में खत्म किया उसने, 1149 से लेकर 1150 एडी के बीच में, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है आप लोगों का सिक्स्थ यहीं से कि इन विच डायनेस्टी, इन विच टाइम पीरियड, अगर तो डायनेस्टी पूछा गया, इन विच डायनेस्टी तो आएगा लोहरा डायनेस्टी, अगर पूछा जाए इन विच इरा कल्हाना कंप्लीट इज राज तरंगिणी, तो इसका आंसर आएगा जय सीमा, ओके, जय सीमा। देखो आप लोग, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा भी गया, ओके। सो इस तरह से आप लोगों के 6 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर लोहरा डायनेस्टी में से बनते हैं, ओके, बनते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं मतलब ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और यहां से बनता है, 7th क्वेश्चन, वो ये कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोहारा डायनेस्टी, कौन सा लोहारा डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन थे, क्या नाम था उनका, वनिता दे, ओके।
इस तरह से लोहारा डायनेस्टी खत्म हुई। एंड आई होप कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, अगर रहा होगा तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ओके, सो नेक्स्ट जो डायनेस्टी आती है वो आती है आप लोगों की देव डायनेस्टी। तो देव डायनेस्टी की फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरुआत अगर देखें तो कब हुई थी, 1171 एडी से लेकर 1371 एडी तक इसका रहा। ओके, और वहीं इसके नोटेबल रूलर की अगर हम बात करें, किंग की बात करें, तो कौन थे वो, वो थे शाहदेव या सुहादेव। ओके, सो इनके टाइम पीरियड की अगर हम बात करें वो क्या था, 1301 से लेकर 2000 एडी तक इन्होंने किया। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये कि व्हेन देव डायनेस्टी स्टार्टेड, तो कब हुई थी, 1171 एडी में। नेक्स्ट आता है कि हु वाज अ नोटेबल रूलर इन देव डायनेस्टी, तो कौन से थे वो थे शाहदेव, शाहदेव लिखा होगा या सुहादेव लिखा होगा, दोनों के सेम ही आंसर है। ओके, नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका देव डायनेस्टी से बनता वो ये बनता है कि व्हेन मंगोलियन डुलूचा इन्वेडेड इन कश्मीर। तो पहला तो आंसर आता है आपका 1120 एडी में। ओके, और अगर पूछा हो इन विच डायनेस्टी मंगोलियन डुलूचा ततार चीफ फ्रॉम सेंट्रल एशिया इन्वेडेड इन कश्मीर, तो वो आएगा आपका देव डायनेस्टी। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन आपका ये बनता है, फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों का यहीं से बनता है। मतलब पहला आप लोगों का पूछा जाएगा कि कब किया था, ठीक है, कौन से टाइम पीरियड में किया था, फिर नेक्स्ट में कब किया था। ओके, तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सिक्स्थ क्वेश्चन की, वो ये पूछा जा सकता है कि इन विच टाइम पीरियड शामीर कम टू कश्मीर। तो किसके टाइम पीरियड में आया था भाई, शाहदेव के, ठीक है, शाहदेव सुहादेव एक ही बात है। और सेम इसी तरह से क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हेन रिंचेन कम इन कश्मीर, ठीक है, तो वो भी सुहादेव, तो लंकार चक ये भी इन्हीं के टाइम पे। नेक्स्ट बनता है क्वेश्चन आप लोगों का एट्थ क्वेश्चन कि फ्रॉम वेयर रिंचेन कम फ्रॉम, तो कहां से आया था वो, रिंचेन लद्दाख से आया था। ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां से बनता है आप लोगों का देव डायनेस्टी से, वेट देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन जो यहां से बनता है वो ये कि रिंचेन जो था, ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन आपका ये बनता है कि रिंचेन जो था विथ हुम रिंचेन मैरिड, तो इसका आंसर आएगा आप लोगों का कोटा रानी, ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो ये कि रिंचेन कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू मुस्लिम एंड व्हाट वाज द नेम दैट ही चेंज्ड आफ्टर बिकम मुस्लिम, तो क्या आंसर आएगा इसका, इसका आएगा आप लोगों का मलिक सदरुद्दीन, ठीक है, जो उसने मुस्लिम बनने के बाद जो नाम अपना चेंज किया, क्या था वो, मलिक सदरुद्दीन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ शाहदेव ब्रदर, तो क्या आंसर रहा इसका, शाहदेव ब्रदर के क्या नाम था, उसका नाम था उदयदेव। ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहां से बनता है आप लोगों का वो बनता है आप लोगों का कि व्हेन शामीर किल्ड कोटा रानी, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1339 में। ओके, सो उसके बाद जो हिंदू रूल है आप लोगों का, हिंदू रूल जो है वो आपका खत्म होता है, एंड होता है, और इसके साथ ही जो मुस्लिम रूल था कश्मीर वैली में, मुस्लिम रूल की स्टार्ट होता है, ठीक है। सो आई होप कि मैंने जितना भी आज आपको करवाया ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी बहुत अच्छे से, और मुझे नहीं लगता इसमें मैंने कोई चीज छोड़ी है और कोई ऐसी अलग वे में आप लोगों को बताया कि आपको समझ ना आया हो, बहुत इजी वे में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। ओके, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम लोग जल्दी अब डेली बेसिस पे लेक्चर करेंगे और खत्म करेंगे इसको, देन उसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।